हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिडवेल चैनल। फ्रेंड्स, आज आईपीएस क्लर्क प्री का फर्स्ट डे था एग्जाम का। सो आज मॉर्निंग में स्लॉट वन एग्जाम खत्म हुआ है। आई एग्जाम को एनालाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। गाइज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बैंक प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते हैं, जिसमें जीके ट्रिक्स, करंट अफेयर्स जैसी वीडियोज होती हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा सब्सक्राइबर्स मोटिवेट करते हैं हमें अच्छी और क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अच्छी और क्वालिटी वीडियोस मिले। स्टार्ट करते हैं। आज लेवल के एग्जाम बहुत इजी था। अब एनालाइज कर लेते हैं सेक्शन वाइज। इंग्लिश में अगर आपने 14 से लेकर 16 के अराउंड अटेम्प्ट करें, देन ये अच्छा अटेम्प्ट है और इंग्लिश का लेवल इजी था। रीजनिंग में 17 के 20 के अराउंड अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, देन इट इज अ गुड अटेम्प्ट एंड रीजनिंग का लेवल जो था वो इजी था। क्वांट में 15 से 18 के अराउंड क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करें, देन ये अच्छा अटेम्प्ट है और लेवल जो था क्वांट का वो इजी से मॉडरेट था। ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल में अगर आपने 59 से 63 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करें विद 95% या 90% एक्यूरेसी, देन ये एक अच्छा अटेम्प्ट है और ओवरऑल लेवल इजी था। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे क्या जाएगी, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। नाउ क्वांट में क्वांट का लेवल इजी से मॉडरेट था। देखते हैं कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन सीरीज से थे जिसका लेवल इजी था और 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे जिसका लेवल इजी से मॉडरेट था। 5 क्वेश्चन डीआई से थे, एक डीआई आई थी जिसमें 5 क्वेश्चन थे और लेवल उसका इजी था। 10 क्वेश्चन मिसलेनियस से थे, जिसमें टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड एंड टाइम, एजेस जैसे क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चन का लेवल इजी से मॉडरेट था। और क्वांट में इस बारी क्वालिटी क्वेश्चन नहीं आई, यानी कि इनइक्वालिटी। सो ओवरऑल लेवल जो था क्वांट का वो इजी से मॉडरेट था। नाउ इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश का लेवल इजी था, जिसमें 10 क्वेश्चन आरसी से आए थे जिसका लेवल इजी था और आरसी का जो टॉपिक था वो फॉरेस्ट स्टोरी अबाउट ट्री एंड एनिमल था। 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से थे जिसका लेवल इजी से मॉडरेट था। 10 एरर्स थी जिसका लेवल इजी था। आईपीएस पीओ प्री की तरह इसमें भी फिलर्स नहीं पूछे गए, ना ही जंबल्ड सेंटेंस थे। सो अब देखते हैं आगे। रीजनिंग का लेवल ओवरऑल इजी था। 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी से थे जो इजी थी। 3 सेटिंग अरेंजमेंट्स थी, जिसमें एक सर्कुलर अरेंजमेंट और एक लीनियर अरेंजमेंट और एक पैरेलल सेटिंग अरेंजमेंट। ओवरऑल 15 क्वेश्चन थे जिसका लेवल इजी से मॉडरेट था। अब अरेंजमेंट्स को देख लेते हैं। इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट में 8 पीपल वाली अरेंजमेंट आई थी और लीनियर में भी 8 वाली आई थी, जिसमें नॉर्थ और साउथ फेस करके लीनियर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं और पैरेलल में 4 पीपल नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और 4 पीपल साउथ में, यानी कि आमने सामने फेस कर रहे हैं, उसको अरेंज करना था। मिसलेनियस में देखते हैं। मिसलेनियस में 5 क्वेश्चन थे जो इजी थे और अल्फाबेट कोडिंग में 5 क्वेश्चन थे वो भी इजी थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी, यानी कि अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक मिक्स सीरीज थी, जिसमें 5 क्वेश्चन थे और ये भी इजी थे। इसमें कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना ही सिलॉजिज्म से। सो ओवरऑल रीजनिंग का लेवल इजी था। नाउ अब देखते हैं कट ऑफ, सेक्शनल वाइज कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ। क्वांट की बात करते हैं तो कट ऑफ जाएगी अराउंड 10 से 13 के बीच और रीजनिंग में मार्क्स होंगे इसके अराउंड 12 से 15 और इंग्लिश में 8 से 11। ओवरऑल कट ऑफ रहेगी अराउंड 50 से 55 मार्क्स के। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ नेक्स्ट स्लॉट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर बैंक प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोज़।